जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हिंदू साधनाओं में पूजनीय देवी माँ कामाख्या के पवित्र अनुष्ठान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित एपिसोड श्री कामाख्या पूजन विधान में आपका स्वागत है। मैं देवी का एक विनम्र भक्त और प्राचीन हिंदू अनुष्ठानों और परंपराओं का अभ्यास करता हूँ। शुरू करने से पहले आइए एक पल के लिए खुद को केंद्रित करें और आज के अभ्यास के लिए अपने इरादे पक्के करें। भारत के असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ये 51 शक्ति पीठों में से एक है जो देवी आदि शक्ति का पवित्र निवास है और उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो दिव्य आदि शक्ति की पूजा करते हैं। देवी कामाख्या को इच्छा, उर्वरता और सृजन के स्रोत के रूप में जाना जाता है और माना जाता है कि उनकी पूजा समृद्धि, सद्भाव और आध्यात्मिक जागृति का आशीर्वाद देती है। आज हम आपको पूजा विधान या देवी कामाख्या की अनुवांशिक पूजा के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे। इस एपिसोड को किसी के लिए भी एक व्यापक मार्गदर्शक के रूप में बनाया गया है, चाहे उनके अनुभव का स्तर कुछ भी हो या हिंदू रीति रिवाजों से परिचित न हो। हम प्रत्येक चरण के बारे में विस्तार से बताएंगे और आपको अनुष्ठान को समझने और उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने में मदद करने के लिए लंबे और ठोस उदाहरण प्रदान करेंगे। पूजा विधान शुरू करने से पहले पवित्र अभ्यास के लिए खुद को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करना आवश्यक है। आइए पूजा के लिए एक पवित्र स्थान बनाकर शुरुआत करें। अपने पूजा स्थान पर एक बढ़िया लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर देवी माँ कामाख्या की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। आपको जो भी मंत्र मैं बताऊंगा वो सब आपके स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि मैं इस समय इस पूजा को नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए मैं मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता हूँ। यदि आप माँ कामाख्या की साधना में आने के लिए भाग्यशाली हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ कामाख्या की मूर्ति या चित्र को प्रणाम करें। इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजनीय देवी भगवती के चरण स्पर्श करें। देवी के चरण छूकर निम्न मंत्र पढ़ते हुए चरणामृत पान करें। अब देवी के सामने हाथ जोड़कर अनुज्ञा मंत्र का जाप करें। इसके बाद आसन बिछाएं और उसके समीप त्रिकोण बनाएं और निम्न मंत्र से गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य से त्रिपुर की पूजा करें। निर्देशानुसार पूजा करने के बाद निम्न मंत्र से त्रिकोण को स्पर्श करें। इसके बाद अपने आसन को पवित्र करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। आचमन या शुद्धिकरण के लिए पानी पीने की क्रिया किसी भी पूजा को करने से पहले एक आवश्यक कदम है। आचमन करते समय नाखूनों से जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, होठों से एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। पहले आचमन से आत्मिक शांति, दूसरे आचमन से मानसिक शांति और तीसरे आचमन से दिव्य शांति प्राप्त होती है। इसके बाद पुष्प शुद्धि या फूलों की शुद्धि करें। पूजा के लिए लाल रंग के सुगंधित फूल लेने चाहिए और फिर पूजा सामग्री पर जल छिड़कें। इस मंत्र का जाप करते हुए भस्म या टीका अपने मस्तक, कंठ, हृदय और भुजाओं पर त्रिपुण धारण कर लें। अब इस मंत्र का जाप करते हुए रोली को हाथ में लें और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से रोली को गीला करें और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मध्यमा उंगली से माथे के बीच में एक लंबा टीका लगाएं। इस मंत्र का जाप करते हुए हाथ धो लें और अब इस मंत्र का जाप करते हुए देवी का ध्यान करें। इस मंत्र का 16 बार जाप करें। मंत्र का जाप करते हुए शरीर को सिर से पैर तक 3 बार स्पर्श करें। फिर पूजा स्थल पर त्रिकोण मंडल बनाएं और उस पर शंख स्थापित करें। अब इस मंत्र को बोलते हुए शंख में पुष्प अक्षत छोड़ दें। अब शंख, अक्षत, पुष्प और धूप और नैवेद्य से माँ का पंचोपचार पूजन करें। साधक को हाथ में फूल और चावल लेकर हाथ जोड़कर सभी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। पुनः अक्षत पुष्प लेकर देवी से प्रार्थना करें। अब कुश, अक्षत पुष्प और जल लेकर संकल्प करें। संकल्प पढ़ने के बाद हाथ में रखे द्रव्य को इस मंत्र को पढ़ते हुए छोड़ दें। अब कामाख्या देवी की पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मंत्र का ध्यान करें। देवी कामाख्या का जहाँ यंत्र, चित्र या मूर्ति मौजूद है, अब हम देवी को फूल, धूप और दीपक चढ़ाएंगे। अब इस मंत्र की एक माला का जाप करें। देवी माँ कामाख्या की पूजा करने के बाद देवी को फूल और चावल चढ़ाकर पूजा समाप्त करें। अब देवी कामाख्या से पूजा समाप्त करने की अनुमति लें। पूजा के दौरान हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगने के लिए अपने हाथ जोड़े और क्षमा याचना करें। अब इस मंत्र का जाप करते हुए अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी को प्रणाम करके पूजा समाप्त करें। प्रिय श्रोताओं, अब देवी कामाख्या की पूजा विधान का समापन होता है। हमें उम्मीद है कि ये एपिसोड देवी कामाख्या के पवित्र अनुष्ठानों के बारे में आपका मार्गदर्शन करने में सहायक रहा होगा
अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देवी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम आपको श्री कामाख्या यंत्र निर्माण तथा रोज जीवन में देवी का ध्यान कैसे करें ये बताएंगे। इसके लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।